Hello guys, myself Shweta Dubey. Now today I am going to discuss about a new topic of pediatric. So today my topic patent ductus arteriosus. तो आइए हम समझते हैं क्या होता है patent ductus arteriosus. हार्ट के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम की वजह से होने वाला हार्ट डिफेक्ट. patent ductus arteriosus हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेसल्स के बीच का एक होल है. patent ductus arteriosus एक ऐसी स्थिति है जिसमें ductus आर्ट्रियोसिस में आफ्टर बर्थ डिफेक्ट होता है. डक्टस आर्ट्रियोसिस एक फिटल ब्लड वेसल्स है जो कि जन्म के तुरंत बाद ही बंद हो जाता है, लेकिन पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस की कंडीशन में यह क्लोज नहीं हो पाता है, मीन्स यह पेटेंट और ओपन ही रहता है. एज अ रिजल्ट ऑफ अरोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ब्लड का इरेगुलर कम्युनिकेशन होता है एंड डक्टस आर्ट्रियोसिस फिटल लाइफ से ही प्रजेंट होता है. जब डक्टस आर्टरियोसिस का रिमेनिंग पार्ट ओपन या पेटेंट हो, जिसकी वजह से डक्टस में ब्लड का फ्लो अरोटा से पल्मोनरी आर्टरी में होता है ड्यू टू द हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. तो फिजियोलॉजी या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, इन पीडीए की कंडीशन में लेफ्ट टू राइट सेंटिंग करते हैं. इसमें ब्लड का फ्लो अरोटा टू पल्मोनरी आर्टरी में होता है, मीन्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी ओवरलोड हो जाती है एंड इस प्रकार जिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सिस्टमिक सर्कुलेशन होना चाहिए वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड बैक फ्लो हो जाता है, जिसका रिजल्ट इंक्रीजिंग द वैस्कुलर प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी एंड वॉल्यूम लोड ऑन द लेफ्ट हार्ट. इन सीवियर डिग्री ऑफ पीडी द पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज एंड द पल्मोनरी हाइपरटेंशन मे बी अकर. सो इट इज़ अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. साइन एंड सिम्टम ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. सो फर्स्ट वन इज अ हाइपर एक्टिव प्रीकार्डियम. दिस कंडीशन विल बी सीन इन पिक्चर. लीजन ऑन द थोरैक्स इमिडिएटली इन द फ्रंट ऑफ द ओवर द हार्ट. इट इज अ कॉजेज द ट्रैकिकार्डिया एंड सम अदर प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट. पाउंडिंग पेरीफेरल पल्स और पार्मर पल्स मीन्स अ पाउंडिंग और रेसिंग पल्स. वेडनेट पल्स प्रेशर. इट इज अ सम टाइम कॉल्ड द हाई ब्लड प्रेशर. ट्रैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीजिंग द पल्स रेट एंड ट्रैकीपनिया. ट्रैकीपनिया इज इंक्रीजिंग द रिस्पायरेशन रेट एंड इंक्रीज अ वेंटिलेटर नीड और इनएबिलिटी टू वी. डायग्नोसिस इवैल्यूएशन ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. किसी भी डिजीज का अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं तो फर्स्टली हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं एंड सेकेंड फिजिकल एग्जामिनेशन. इन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑस्कल्टेशन मीन्स विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप हम साउंड सुनते हैं, जिसमें पेशेंट का साउंड मर्मर साउंड आता है. एंड सेकेंड चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे में जब हम पेशेंट का करते हैं तो उसमें पेशेंट का जो हार्ट है वो इनलार्ज होता है एंड एविडेंस ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू द लंग्स. एंड सेकेंड इकोकार्डियोग्राम डेमोस्ट्रेट द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. तो दीज आर डायग्नोसिस इवैल्यूएशन ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. ट्रीटमेंट ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. In symptomatic pneumonia, time will be allowed for the ductus to close it on as long as the heart failure can be easily managed. If symptoms are very severe, a medical and surgical closure is needed. The medical treatment, the endomethacin, this drug help to constrict the muscles in the wall of the patent ductus arteriosus to close it. Pharmacological management of patent ductus arteriosus. So first one is an antiprostaglandin agent. It is an anti-inflammatory drug. It is a reduce the inflammation and it is also be close the patent ductus arteriosus. And aspirin is also given and mepranemic acid is also given. It is used to treat the mild and moderate pain. So it is other pharmacological management of patent ductus arteriosus. And other management also be applied. Like a supportive care and provided with rest and adequate intake of high calories for weight gain and promotion of normal growth and development, and emotional support is also provided. Surgical management of patent ductus arteriosus. In surgical management, the transection or ligation of the patent ductus arteriosus via the lateral thoracotomy. Lateral thoracotomy के द्वारा जो patent ductus arteriosus होता है उसे हम क्लोज करते हैं. नर्सिंग मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. नर्सिंग मैनेजमेंट विद सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंस इन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट.
Monitor EVG and infant tolerance of procedure. Monitoring oxygenations and delay suctioning and provide effective ventilation and also providing the optimal environment temperature. Please like, subscribe and share and press the bell icon for latest updates and knowledgeable video. Thank you for watching.